शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी के साथ बदसलूकी, उनके ड्राइवर को मारा थप्पड़। अभिनेत्री शमिता शेट्टी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। खबर है कि अभिनेत्री को गाली देने के अलावा उनके ड्राइवर के साथ हाथापाई की गई है। यह घटना मंगलवार देर रात मुंबई से सटे ठाणे की है। जी हां, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 9 की कंटेस्टेंट और अभिनेत्री शमिता शेट्टी की कार मंगलवार को ठाणे के विवियाना मॉल के पास एक अजनबी कार ने टक्कर मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री के ड्राइवर दर्शन सावंत ने रबोड़ी पुलिस स्टेशन में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने ड्राइवर की तरफ से दिए बयान पर संज्ञान लेते हुए उन तीनों शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि शमिता कुछ निजी काम के लिए ठाणे में थी और यह घटना दोपहर लगभग 1:30 बजे हुई। जब ड्राइवर ने कार को हुए नकसान को देखने के लिए अपनी कार रोकी तो तीनों आरोपी सावंत के साथ भिड़ गए। सावंत के मुताबिक उन तीनों ने उसे थप्पड़ भी मारा और धमकी भी दी। बता दें कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 323, 504, 506, 427 और 34 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में शामिल कार की पहचान भी कर ली गई है। शमिता शेट्टी के बारे में आप जानते हैं कि वो चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन है। मोहब्बतें से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था, लेकिन उनके बाद उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। बहरहाल शमिता अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं और इन दिनों खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ रही हैं।